आज हम ग्लोइंग स्किन पाने के लिए एक फेस पैक बनाने जा रहे हैं। उसके लिए आपको लेना होगा राइस फ्लोर 2 टेबल स्पून, कर्ड 2 टेबल स्पून एंड हनी 1/2 टेबल स्पून। इन तीनों का मिक्सचर बहुत ही अच्छे से वर्क करेगा और आपकी स्किन को बहुत ही ग्लोइंग बनाएगा। अब हम इन तीनों को अच्छे से मिक्स करके पेस्ट बना लेंगे। इसमें कोई भी लम्ब्स ना रहे। आप इसको वीकली 2 और 3 टाइम्स यूज़ कर सकते हो। अब देखिए हमारा पेस्ट बनकर रेडी है। अब हम इसे अप्लाई करते हैं। अब हम अपने इस पेस्ट को अप्लाई करेंगे। हम इसे अपवर्ड मोशन में लगाएंगे, नीचे से ऊपर की तरफ। किसी भी फेस पैक को हमें नीचे से ऊपर की तरफ लगाना चाहिए, ये एक सही तरीका है। हम इसे अपने पूरे फेस पर अच्छे से अप्लाई कर लेते हैं। चलिए अभी हमारे फेस पे अच्छे से अप्लाई हो रहा है। ये चावल का आटा जो होता है राइस फ्लोर, ये थोड़ा सा मोटा होता है, तो ये एक स्क्रब का काम भी करता है। जब हम इसे निकालेंगे तो मैं आपको एज अ स्क्रबर निकालने का तरीका भी बताऊंगी। और ये जो राइस फ्लोर है, ये आप आसानी से अपने घर में बना सकते हैं। आपको बहुत थोड़े से राइस की ज़रूरत होगी। 4-5 टेबल स्पून राइस लीजिए और ये आपके एक बार के पैक के लिए बहुत अच्छा होगा। और ये फेस पैक हम अब 30 मिनट्स के लिए लगाएंगे। इसे लगाने के बाद 30 मिनट्स छोड़ना है। आप चाहें तो राइस फ्लोर को बना के भी रख सकते हैं। चलिए 30 मिनट्स हो गए हैं, अब हम इसे निकालेंगे। तो निकालने के लिए हम अपने हाथों में थोड़ा सा पानी लेंगे और अपना जो स्क्रब है, सॉरी जो फेस पैक है, इसको हम गीला करेंगे, क्योंकि ये ड्राई हो चुका है ना, स्किन बहुत खिंच भी रही है। अब हम पानी लेकर, बार बार पानी लेकर इसको गीला करेंगे और इसे हल्के हाथों से मसाज कर कर निकालेंगे। पूरे फेस पर हमें अच्छे से मसाज करनी है हल्के हाथों से, चीक्स पर, फॉरहेड, नोज़, चिन, नेक, सब जगह पर। नोज़ के ऊपर जो आपके जो ब्लैक हेड्स होते हैं, चिन पर जो ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स हो जाते हैं, ये इससे बहुत अच्छे से निकल जाएंगे। ये थोड़ा सा दरदरा होता है, बहुत अच्छा स्क्रबर का काम भी करेगा। स्क्रब करने के बाद हम इसे चाहें तो एक टॉवल से वॉश कर सकते हैं, गीले टॉवल से वॉश कर सकते हैं, या फिर मैं सजेस्ट करूँगी आप इसे पानी से डायरेक्टली वॉश करिए। टॉवल वगैरह यूज़ करने से ये अच्छे से निकलेगा नहीं। आप इसे दोस्तों ज़रूर ट्राई करिएगा, इससे आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। पूरे फेस पर अच्छे से हल्के हाथों से मसाज करनी है। ज़्यादा तेज़ नहीं घिसना है आपको, नहीं तो आपकी स्किन में इरिटेशन होने लगेगा। चलिए अभी स्क्रब हो चुका है, अब हम इसे वॉश करके आते हैं। ये देखिए मैंने फेस वॉश कर लिया और आपको कुछ डिफरेंस पहले ही नज़र आने लगा होगा। अब हम अपने टॉवल से टैप टैप करके मुंह पोंछ लेते हैं। हमें घिसना नहीं है क्योंकि अभी हमने स्क्रब किया है, तो हमारी स्किन में जलन होने लगेगी। आराम से हमें टैप टैप करके अपने फेस को पोंछना है। ये देखिए आप स्किन कैसी लग रही है दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप प्लीज़ इसे लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट करके बताइए कि आपको ये कैसा लगा। अब आप जो भी मॉइस्चराइज़र या क्रीम यूज़ करते हैं, आप वो अपने फेस पे अप्लाई करिए। आपको कभी भी फेस पैक लगाने के बाद, स्क्रब करने के बाद या मसाज करने के बाद अपने फेस को ऐसे ही नहीं छोड़ना है। जब भी आप अपना फेस वॉश करें तो हमेशा मॉइस्चराइज़र लगाएं। आई होप यू लाइक द वीडियो, और आपको अगर ये अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करिए। और फिर मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। एंड प्लीज़ आप बताना मत भूलिएगा कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। इसे यूज़ करिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा।